हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और यहाँ पर अगर आप जो रेडमी नोट 10 प्रो या फिर रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के इंडियन यूज़र हो, तो यार यहाँ पर एक न्यू अपडेट आप लोगों के लिए रिलीज़ हो चुका है, जो कि 710 MB के आसपास जो इसकी साइज़ देखने को मिल जाती है, जो कि यार यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो कि काफ़ी बड़ा अपडेट है। और इसका बिल्ड नंबर देख सकते हैं आप लोग, MIUI 13.0.4.0 SKF INXM, जो कि स्टेबल अपडेट है। 710 MB इसकी साइज़ देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर जो आप लोगों को मई 2022 का सिक्योरिटी पैच जो यहाँ पर जो पुश किया गया है इस अपडेट के अंदर। अब जो इस अपडेट की साइज की बात करूँ तो काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी लोग बोले कि भाई इस अपडेट के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस इसके अंदर देखने को मिले होंगे। तो भाई चलो देख लेते कि इसके अंदर जो भी कुछ मेन हम जो वेट कर रहे हैं वो जो चेंजेस इसके अंदर जो अवेलेबल हो चुके हैं, यानी कि पुश कर दी है या फिर नहीं। तो फटाफट से जो मैं इसे देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में शेयर कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो सबसे पहले तो यार यहाँ पर जो सिस्टम ऐप्स अनइंस्टॉल के बारे में चेक कर लेते हैं, क्योंकि यार काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं भाई ये अपडेट कब आएगा, उसके मतलब अपडेट के अंदर कब इनेबल होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स वाला फीचर अभी भी इनेबल नहीं हुआ, दैट मीन्स कि भाई इस अपडेट के अंदर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला। तो यार ये Xiaomi ऐसा क्यों कर रहा है, आई डोंट नो यार। सिर्फ चाइना के अंदर फीचर देखने को मिल जाती है, इंडिया और ग्लोबल के अंदर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अब गाइस यहाँ पर अपडेट आप लोगों को रिसीव नहीं होगा, तो यार यहाँ पर जो आप लोगों को अपना मी अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, जो भी मी पायलट रिलीज आपका अकाउंट होगा उसे आप लोगों को एक बार जो है ऐड करके देख लेना है। जितने भी आप लोगों को अकाउंट है उसको चेक कर लेना है, उसके बाद आप लोगों को चेक करना है आप लोगों को अपडेट आया होगा तो अच्छी बात है। बाकी का यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर हमें पुराना वाला ही देखने को मिलने वाला है। ये मैंने जो नया वाला इंस्टॉल किया है प्लग इन को इंस्टॉल करके, बाकी यार आप भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग वीडियो डाला है। बाकी ये जो हमें इस अपडेट के अंदर ऑफिशियली देखने को नहीं मिलने वाला, हमें जो है पुराने वाला ही MIUI 12.5 वाला ही देखने को मिलने वाला है। तो इसे आप भूल जाइएगा कि आपको नया वाला देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है गाइस, पुराने वाला ही देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर कुछ भी हमें जो नया देखने को नहीं मिलने वाला है गाइस, ये जो एक नॉर्मल अपडेट है गाइस। लेकिन यार यहाँ पर विजेट की भी बात करें तो यार विजेट भी हमें जो पुराने वाला ही UI यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, मतलब यार विजेट्स के अंदर भी कोई भी हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। बट यार गाइस मैं सोच में हूँ कि भाई इतना बड़ा साइज है और इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला गाइज, यहाँ पर खाली आप लोगों को यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो चेंजेस की बात करें तो यार यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर भी 10 सेकंड की लिमिट हमें अभी भी देखने को मिल जाती है, काफ़ी लोग इसे भी वेट कर रहे हैं भाई कब तक देखने को मिल जाएगा। बाकी यार इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है, इस तरीके का एक नॉर्मल सा अपडेट देखने को मिलने वाला है गाइज। और रही बात भाई इस तरीके की वीडियो शूट कर रहा हूँ बिकॉज यार यहाँ पर जो भाग रहा हूँ थोड़ा मैं, तो उसके वजह से एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है कैमरा वाला और दूसरे हाथ में भी मेरा फ़ोन, तो यार इसके वजह से यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और क्वालिटी को भी आप लोगों को यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी यार होम स्क्रीन के अंदर लॉन्चर के अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ सब कुछ वैसा ही देखने को मिलने वाला है। फिलहाल मैंने जो अल्फा लॉन्चर भी यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आप अपने फ़ोन के ऊपर कौन सा लॉन्चर यूज़ करते हैं वो जो आपकी मर्जी है। सो दैट्स इट गाइस, बस इस तरीके का कुछ यार नॉर्मल सा अपडेट है जिसके अंदर जो मई 2022 के सिक्योरिटी के साथ आप लोगों को एक न्यू अपडेट पुश किया गया है, जिसका बिल्ड नंबर 13.0.4.0 देखने को मिल जाता है। तो आप भी अपने फोन के ऊपर जो इसे चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, टिल देन एंड बाय बाय।